आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। What is going on, everybody? Welcome back to the channel. And ये वीडियो में जो गाइस मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला गाइस रिलेटेड अबाउट द न्यू गेम्स जो कि आने वाले थे बट जो है गाइस वो आए नहीं अभी, वो किस कारण की वजह से नहीं आए वो भी जो है गाइस आई थिंक उन्होंने बताया है बट अभी मुझे लग रहा नहीं है वैलिड है या नहीं, हो सकता है चांसेस बहुत है बट मुझे ऐसे लग ही रहा था कि ये भाई कुछ ना कुछ तो डिले होने ही वाला है। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ वो जो है गाइस एपेक्स लेजेंड्स एंड ऑफकोर्स बैटलफील्ड मोबाइल की भी। तो यहाँ पे जो गाइस दोनों गेम्स के बारे में जो गाइस कुछ अपडेट निकल के आई है एंड सबसे पहले जो गाइस बैटलफील्ड मोबाइल के बारे में बात करेंगे। बैटलफील्ड मोबाइल जो है गाइस ये भी जो गेम है इसके जो सर्वर्स है आज ओपन होने वाले थे, आज मार्च यू नो फर्स्ट मार्च है तो आज जो है गाइस इसके सर्वर्स ओपन होने वाले थे लेकिन जो है गाइस यहाँ पे उन्होंने ये डिले कर दिया है थोड़ा, उन्होंने एग्जैक्ट अभी डेट नहीं बताई है बट यहाँ पे जो है गाइस ये इंडिया एंड थाईलैंड के लिए जो है गाइस ये क्लोज बेटा चालू रहने वाला है या फिर होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस ड्यू टू करंट वर्ल्ड इवेंट्स अभी यहाँ पे एक वर्ल्ड इवेंट्स इसको जो है गाइस यू नो रशिया वर्सेज यूक्रेन जो वर्ल्ड वॉर 3 जो चालू है उस वजह से जो है गाइस इन्होंने कहा कि वी हैव डिसाइडेड टू चेंज द टाइमिंग ऑफ द प्रीवियसली अनाउंस क्लोज बेटा क्लोज अल्फा टेस्ट ऑफ बैटलफील्ड मोबाइल नाउ प्लान फॉर यू नो इंडिया एंड थाईलैंड। तो पता नहीं अभी सर्वर ऑन है या नहीं या फिर इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से डेट टाइम पे जो है यू नो रिलीज होगा या फिर ओपन होंगे सर्वर्स। तो ये एक चीज है गाइस एंड बैटलफील्ड मोबाइल ये बेटा के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं क्योंकि पता नहीं कुछ न्यू उन्होंने दिया नहीं, वही पुराना वाला जो है गाइस वो बेटा वर्जन या फिर वो टेस्ट वर्जन है। अगर आपको डाउनलोड करके रखना है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा ये दोनों गेम के एपेक्स एंड देन बैटलफील्ड के, बट दोनों गेम अभी फिलहाल नहीं चल रहे ठीक है। तो या बैटलफील्ड मोबाइल के बारे में गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिलहाल पता नहीं कब ये रिलीज होने वाला है। ग्लोबल लॉन्च तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत दूर की बात है। फिलहाल जो है गाइस सेकंड क्लोज बेटा जो है या फिर क्लोज अल्फा टेस्ट इसके बारे में जो है गाइस बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है एंड ये ऑफिशियल जो है गाइस इंडस्ट्रियल टॉयज जो है गाइस यू नो एक स्टूडियो है जो वो बैटलफील्ड मोबाइल डेवलप कर रहा है तो ऑफिशियल की तरफ से जो है गाइस ये रिप्लाई आया है ठीक है। अभी जो है गाइस बढ़ते हैं हम एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल्स के ऊपर गाइस एंड दिस गेम मतलब क्या ही बोलूं यार, सच्ची में इस गेम की इतनी हाइप, इतनी डीले, हाइप नहीं कहूंगा अभी हाइप जो मर चुकी है देखा जाए तो। फिलहाल जो है यू नो जो डेडिकेटेड या फिर जो बहुत ही सुख प्लेयर है यू नो डायर्ड फैंस है मैं भी उनमें से हूँ तो वही जो है गाइस यू नो उनका ही जो है गाइस इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है बट सीरियसली यार ये गेम इतना डीले हुआ है आपको बता नहीं सकता कितना डीले हुआ है एंड यस अभी फिर से डीले हुआ है क्योंकि जो है गाइस यहाँ पे जो है गाइस आज जो है मार्च 1 को इसका जो है गाइस सॉफ्ट लॉन्च होने वाला था ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जो है गाइस कंट्रीज भी उन्होंने दिए हैं, ये टाइप में नहीं ओपन करना था मुझे ओके। यहाँ पे जो है गाइस इन्होंने कंट्रीज भी दिए हैं, ये हुआ क्या एक सेकंड, आई थिंक इंग्लिश में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है गाइस इन कुछ गिने चुने कंट्रीज के लिए जो है गाइस ये रिलीज होने वाला था सॉफ्ट लॉन्च। यहाँ पे जैसे देख रहे हो न्यूजीलैंड सिंगापुर मलेशिया एंड ऑल दैट स्टफ, इंडिया नहीं है इसमें बट स्टिल सिंगापुर है क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट तो यू नो लो पिंग वाली सिचुएशन हमें मिल सकती है। बट जो है गाइस इन्होंने अभी ये जो है गाइस फिर से डिले कर दिया है एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो इनका भी सेम रीजन है ड्यू टू करंट वर्ल्ड इवेंट्स वी हैव मेड डिसीजन टू चेंज द लिमिटेड रीजनल रिलीज ऑफ एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल एंड यस गाइस ये रीजनल रिलीज है। ये देखो गाइस कुछ बेटा नहीं है, कुछ अल्फा नहीं है, ये जो है सॉफ्ट लॉन्च है, आप इसे यू नो ऑफिशियल पब्लिक लॉन्च ही कह सकते हो लेकिन गिने चुने कंट्रीज के लिए होने वाला है, ग्लोबल बेस पे हर एक कंट्री के लिए एक साथ नहीं होने वाला है। तो ये जो सॉफ्ट लॉन्च है गाइस ये इन्होंने डिले कर दिया, अभी जो है गाइस इन्होंने कहा है कि मार्च 7 को जो है गाइस ये चालू होने वाला है तो अभी फिर से जो है गाइस हमें कुछ 6-7 दिन रुकना पड़ेगा। या आई मीन मुझे एक्सपेक्टेड था जब ये रिलीज हुआ था ना, आई थिंक इसकी पहले एक पोस्ट आई थी रिलेटेड अबाउट द सॉफ्ट लॉन्च यू नो मार्च 1 की डेट, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई कवर करो कवर करो, मुझे पता था 99% चांसेस थे मुझे पता था कि भाई ये डिले होने वाला है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया एंड अभी जैसे ही डिले हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। तो पता नहीं मार्च 7 के ऊपर भी हम भरोसा रख सकते हैं या नहीं या फिर होप्स रख सकते हैं या नहीं, जो भी है मार्च 7 राइट नाउ उन्होंने डेट दी है, देखते फिर से क्या कुछ डिले हो गया फिर नहीं, देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कुछ बेटा वगैरह कंडीशन में नहीं है, अभी ये लोग सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं तो मे भी ये लोग थोड़े क्यूरियस होंगे कि भाई अच्छे से अच्छे तरीके से गेम लॉन्च हो जाए यू नो कुछ ज्यादा बग्स वगैरह ना हो क्योंकि यू नो समझ रहे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सॉर्ट ऑफ चीज। तो ये एक चीज है गाइस, ये आपको न्यूज पता नहीं थी, बस दो गेम्स के बारे में आपको यू नो इन्फॉर्मेशन देनी थी, तीसरा गेम भी आप सामने देख लो वॉलपेपर के जरिए, मतलब यार कुछ या खतरनाक वाली चीज होने वाली है 1.9 के वर्जन में एनिवर्सरी मोड के साथ। एंड ऑल्सो बहुत सारे जन कह रहे हैं शिफ्टिंग हुई कि नहीं, देख सकते हो अभी भी वही रूम में है तो और मे भी कुछ 3-4 दिन लग सकते हैं, मम्मी की भी थोड़ी हेल्थ खराब हो गई यार, मतलब पता नहीं चल रहा है यार सब जगह से जो है थोड़ा यू नो
प्रेशर है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो भी है सब आपको पता चली जाएगा जब यू नो सराउंडिंग या फिर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सो बस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, एंड अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब करना एंड जरूर बता देना कौन से गेम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, क्या वो बैटल फील्ड है, क्या वो एपेक्स है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर एपेक्स रादर देन बैटल फील्ड की मैंने हालत देख ली, स्टिल मुझे लग रहा है बैटलफील्ड को और थोड़ा टाइम देना चाहिए डेवलपमेंट वगैरह के लिए, क्योंकि वो अभी भी इतने पॉलिश कंडीशन में नहीं है, खेलने के कंडीशन में भी नहीं है। तो बैटलफील्ड को मैं थोड़ा यू नो लाइक थोड़ी हाइप मेरी कम हो गई है, बट एपेक्स के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। एक फाइनली एक न्यू टाइप का गेम जो है हमें खेलने को मिलने वाला है, सो रियली एक्साइटेड। देखते हैं मार्च 7 को वो जिन्होंने डेट दी है वो सच होती है या फिर नहीं होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।